ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने जो देखा था वो वेपर प्रेशर देखा था, ठीक है। वेपर प्रेशर के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट भी किया था, ठीक है। और लास्ट हमने देखा था वेपर प्रेशर का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा आ रहा था, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट अस सी एक वन क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट, रिक्वायर्ड टू सैचुरेट अ वेसल ऑफ वॉल्यूम, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 82 लीटर एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इज 33 टॉर, ठीक है। तो आपको बताना है कि भैया इतने वेपर प्रेशर के लिए इस टेम्परेचर पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। तो कहने का मतलब है, जैसे सपोज करो मेरा ये वेसल है जिसका वॉल्यूम 82 लीटर रखा है मैंने, ठीक है, और टेम्परेचर मैंने दिया हुआ 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दे रखा है मैंने, 300 केल्विन। तो थोड़ा बात ध्यान से समझो, अगर यहाँ का वेपर प्रेशर, और यहाँ पे सिर्फ वेपर है, क्या है, सिर्फ वेपर, और जिसका वेपर प्रेशर है 38 टॉर, तो ये एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ इस वेपर का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर होगा, जिसको अगर मैं एटीएम में कन्वर्ट करूँ तो 38 टॉर बाय 760, तो दैट्स नथिंग बट 1/20 टॉर। क्योंकि ये गैस है, तो गैस है तो ऑब्वियस बात है इसके लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करो तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी, तो 1/20 × 82 = n × 0.082 × 300। जब इधर करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा, दिस और दिस कैंसल, 82 कैंसल, तो n बराबर आ जाएगा 1/6। देन व्हाट इज द वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O आ जाएगा आपके पास 1/6 × 18, तो मतलब 3 ग्राम, मतलब 38 टॉर प्रेशर के लिए आपको कम से कम 3 ग्राम वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 38 इतना तो लेना ही पड़ेगा। अब देखो वर्ड यहाँ पे सैचुरेट का मतलब क्या हो चुका है, कि एक बार इतना वाटर इसको मिल गया तो ये फर्दर ये सैचुरेट हो जाएगा, उससे ज्यादा इसको कोई मतलब नहीं है। तो सैचुरेट का हमेशा मैंने बार बार आपको एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अगर 100 ml लिक्विड वाटर है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप कितना डिजोल्व कर सकते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा 40 ग्राम नमक डिजोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 42 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, 40 ग्राम तो डिजोल्व कर लेगा, बाकी का 2 ग्राम नीचे सेटल हो जाएगा, मतलब एज इट इज नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो 40 ग्राम उसकी हाईएस्ट क्षमता है, 40 ग्राम जो है उसकी हाईएस्ट क्षमता है नमक डिसॉल्व करने की। तो तब अगर आपने सिर्फ 40 ग्राम डिसॉल्व किया तो वो सैचुरेटेड होता है, 42 किया तो सुपर सैचुरेटेड, और 40 से कम किया 38-36 तो वो अनसैचुरेटेड हो गया। आई बात समझ में, जिसका मतलब यही कि 3 ग्राम किया तो मतलब ये सैचुरेटेड हो गया, इसको इतना वेपर मिल गया, फर्दर आप कितना भी डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी में कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, जैसे सपोज कर इसी क्वेश्चन में मैंने किया ये 5 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द अबव वेसल, इनिशियली इवेक्यूएटेड then calculate percentage of water which will then calculate percentage of water which will vaporize। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो इनिशियली ये कंटेनर खाली था, सेम सिचुएशन है, टेम्परेचर सेम रखा है मैंने, वॉल्यूम सेम रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 5 ग्राम वाटर लिया, कितना लिया 5 ग्राम वाटर। जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर आपको 38 हो रहा है, और वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, ना ही
ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना ही साइज ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड करता है, ना ही वो किसी और चीज पर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर आपने सेम रखा तो ऑब्वियस सी बात है आपको वेपर प्रेशर तो कितना मिलेगा, 38 टॉर ही मिलेगा। और उसके लिए आपको और उसके लिए कितना वेपर बनेगा, यहाँ पे 3 ग्राम वेपर बन जाएगा। 3 ग्राम वाटर का क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। बचा कुचा 2 ग्राम एज इट इज लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। बचा कुचा क्या रहेगा, एज इट इज लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो आपको आपने एक बार इतने वेपर प्रेशर के अमाउंट निकाल लिया वाटर का, तो 5 यूज करें 10 यूज करें, वेपर उतना ही बनेगा जितना उसको चाहिए, जितना सैचुरेट होने के लिए चाहिए। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया हो। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए कैसा देगा, क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए बोलेगा भाई इनिशियली कंटेनर में वाटर का लेवल H1 था, मतलब वाटर का हाइट H1 था, और जैसे इक्विलिब्रियम आ गया तो हाइट H2 हो गया। तो बोल रहा है और वो बोल रहा है तो वो बोलेगा कि मान लो व्हाट इज द वेपर प्रेशर, तो सिंपल H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो कभी कभी हाइट के टर्म में देता है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा भाई इतने वेपर प्रेशर के लिए इतना ग्राम मुझे लिक्विड चाहिए, तो 5 ग्राम यूज करेगा तो 3 ग्राम वेपर बन जाएगा, 2 ग्राम मेरा वाटर बन जाएगा। अब 10 यूज करेगा तो भी 3 ग्राम ही वेपर बनेगा। आई बात समझ सबको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मतलब किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ और पहला ड्रॉप लिक्विड का क्या हुआ है, वेपराइज हुआ है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट, ठीक है। या हम बोल सकते हैं इसको इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, ठीक है। मान लो मेरा ये कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है ऑलमोस्ट मेरा, अभी क्या है मैंने कुछ किसी सिचुएशन करके, मान लो आप लिक्विड को वेपर में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्सपेंशन करके, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे जैसे गैस को आप कंप्रेस करते हो तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो वैसे ही आप एक्सपेंड करोगे मतलब प्रेशर घटाओगे तो लिक्विड क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो उसी तरीके से क्या होगा कि जैसे मान लो लिक्विड और आपने एक्सपेंशन किया, तो जैसे ही आप थोड़ा पिस्टन ऊपर उठाओगे तो पहला ड्रॉप मतलब पहला बबल वो किसका बना, वेपर का बना, और इसका मतलब पहला बबल बना तो ऑलमोस्ट पूरा चीज क्या है, लिक्विड है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस मेजरली इस केस में, किस केस में, इस केस में मेजर पोर्शन तो अभी भी क्या है मेरा, लिक्विड है, और माइनर पोर्शन अभी भी क्या है मेरा, वेपर है। क्या है, वेपर। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ड्यू पॉइंट की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, या आप ऐसा भी बोल सकते हो द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस्ड, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस्ड, मतलब द पॉइंट एट विच द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, मतलब ऑलमोस्ट सारा गैस है और एक ड्रॉप बबल का बचा हुआ है। तो या तो ऐसा बोले, या तो ऐसा बोले भाई पूरा वेपर उसमें पहला वेपर कंडेंस होके लिक्विड बना है, तो मतलब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर क्या हो चुका है, कंडेंस हो चुका है। तो मतलब मीनिंग वो ही है, आप ऊपर से देखो या नीचे, ऊपर से देख रहा हूँ तो भैया मेरा पूरा वेपर एक ड्रॉप बबल का बचा हुआ है, तो मतलब आप क्या बोलोगे भैया ये पहला ड्रॉप वेपर का कंडेंस हुआ है। या ऐसा नीचे से देखोगे तो भैया सारा का सारा लिक्विड वेपराइज हो गया है, बस लास्ट ड्रॉप बबल का बचा हुआ है। तो उस केस में मेरा वो केस सिचुएशन क्या होता है, मेरा ड्यू पॉइंट का सिचुएशन होता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मेरा मेजर पोर्शन क्या होता है, वेपर होता है, मेजर पोर्शन क्या होगा मेरा, वेपर, और माइनर पोर्शन क्या होगा मेरा, लिक्विड।
ठीक है। अच्छा एक बात और, कभी भी लिक्विड और वेपर जब भी इक्विलिब्रियम होंगे तो दे विल एस्टैब्लिश बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। मतलब जब भी लिक्विड लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वो हमेशा बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में। देखो बबल पॉइंट में क्या, पूरा का पूरा लिक्विड है, बस एक ड्रॉप वेपर है, बट है ना वेपर तो है ना, रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, मतलब इक्विलिब्रियम अभी भी रहेगा। और ड्यू पॉइंट में देखो तो सारा का सारा वेपर और लास्ट ड्रॉप क्या बच रहा है मेरा, लास्ट ड्रॉप बच रहा है मेरा गैस का बच रहा है, ठीक है। तो अभी भी मेरा रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, तो कभी भी इनका इक्विलिब्रियम जो रहता है ये इन्हीं के बीच में रहता है, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में रहेगा। आई होप सो आपको ये चीज आपको समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ बिफोर बबल पॉइंट क्या होगा, बिफोर बबल पॉइंट आपका सिर्फ ओनली लिक्विड रहेगा, ओनली लिक्विड रहेगा। और अगर मैं बोलूँ आफ्टर डीपी, ड्यू पॉइंट के बाद क्या होगा, ड्यू पॉइंट मतलब जो लास्ट ड्रॉप मेरा बचा लिक्विड वो भी वेपराइज करा जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली वेपर बचेगा। तो ये आई होप सो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इधर कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे कि आखिर ये होता कैसे। ठीक है, मुझे पता है जब हम गैस से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, क्या करते हैं कंप्रेशन, मतलब क्या होता है प्रेशर बढ़ाकर वॉल्यूम घटाते हैं। लेकिन जब आपको लिक्विड टू गैस जाना है तो आप क्या करोगे, एक्सपेंशन करोगे, तो प्रेशर घटाओगे और वॉल्यूम को बढ़ाओगे। अब ये बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों मैं आपको पढ़ाऊं तो उसे समझो बात को। जैसे सपोज करो ये मेरा कोई कंटेनर है और यहाँ पे मेरा पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है पिस्टन है, और मैंने लिक्विड एकदम ऊपर तक भरा हुआ, मतलब कुछ भी जगह नहीं है, पूरा का पूरा क्या कंटेन कर रहा है, लिक्विड कंटेन कर रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पिस्टन को बढ़ा रहा हूँ, पिस्टन को रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पिस्टन को मैं जैसे रेस करूंगा, तो मान लो थोड़ा देर तक ऊपर बढ़ाया मैंने इसको, तो मान लो लिक्विड कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और इतना सा वॉल्यूम मैंने एक्सपेंड किया, लेट वॉल्यूम V1 एक्सपेंड किया, तो यहाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पहला ड्रॉप वेपर का फॉर्म हुआ है, मतलब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, पहला ड्रॉप वेपर का क्या हुआ मेरा, फॉर्म हुआ। अच्छा एक बात और, यहाँ पे टेम्परेचर T रखा है मैंने, वॉल्यूम V1 रखा है इस कंटेनर का, और लेट इट बी इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 0.4 atm है, कितना है 0.4, और वेपर प्रेशर मैंने बोला किसी भी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर की वैल्यू किसी लिक्विड की क्या होती है, उसका वेपर प्रेशर होता है। अब समझना बात को, मैंने बोला कि भैया आपने पिस्टन जैसे ऊपर गया तो इतना खाली स्पेस बना, इतना खाली स्पेस बनते ही क्या होगा, पहला ड्रॉप वेपर बना, तो इसका मतलब ये केस कौन सा होगा मेरा, बबल पॉइंट का, मेजर पोर्शन लिक्विड है और पहला ड्रॉप मेरा क्या बन रहा है, वेपर का बन रहा है। अगर मैं बोलूं भाई ये वेपर कितना बना, तो वेपर कितना बना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, वेपर उस वेपर के लिए अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या किया था भाई, वेपर है मतलब गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या लगाओगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वॉल्यूम अब यहाँ पे कितना होगा, एम्प्टी स्पेस V1, प्रेशर कितना है, मैंने आपको क्या बोला था बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट हमेशा किसके किसके बीच में रहते हैं, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट हमेशा किसके किसके, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम जब तक रहेगा तब तक, मतलब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम किसके बीच में रहता है, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में, मतलब यहाँ पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं, और इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं तो जो ये पहला ड्रॉप वेपर जो भी प्रेशर डाल रहा होगा वही वेपर प्रेशर होगा, वेपर अगर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे है तो चाहे एक बबल बने, एक गैस मॉलिक्यूल बने या 10,000 बबल बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन है ना एक पहला ड्रॉप ही, बट है ना बबल तो है ना आपके पास, एक वेपर तो बना है ना आपके पास, इसका मतलब V1 बराबर क्या हो जाएगा 0.4, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है ये, बबल पॉइंट आते ही याद रखना, बबल पॉइंट आते ही
लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, तो मतलब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होगा, तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है वही मेरा वेपर प्रेशर होता है, तो 0.4 इंटू वी वन लेट एन वन आर टी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा कि बबल पॉइंट के लिए मतलब कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड मुझे वेपराइज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, फर्दर पिस्टन को और रेस किया, पिस्टन को क्या किया मैंने और रेस किया, पूछिए यहाँ पे आ चुका है मान लो, तो अब लिक्विड थोड़ा कम हो चुका है और वेपर मॉलिक्यूल्स वेपर क्या बन चुका है थोड़े ज्यादा बन चुके हैं, लेट इट बी इसका वॉल्यूम वी टू है। अब मैंने बोला कितना अमाउंट ऑफ वेपर बनेगा, तो आप क्या करोगे पी वी इक्वल टू अगेन एन आर टी, तो क्योंकि अभी भी लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम अभी भी है, तो यहाँ पे 0.4 एटीएम होगा, वॉल्यूम वी टू होगा, लेट इट बी मोल्स एन टू और आर टी हो जाएगा। अब मैंने क्या पिस्टन और बढ़ाया, अगेन मैंने पिस्टन को रेस किया, फिर से पिस्टन को रेस किया, फाइनली मैंने इतना रेस कर दिया ठीक है कि ऑलमोस्ट सारा का सारा वेपर बन चुका है और एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बचा हुआ है, किसका बचा हुआ है लास्ट ड्रॉप लिक्विड, बाकी सारे का सारे क्या है मेरे वेपर है, मतलब दिस इज द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, और ये मेरा क्या था पहला ड्रॉप वेपर का। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट केस होगा मेरा ड्यू पॉइंट का, क्या होगा मेरा ड्यू पॉइंट का, लेट इट बी मैंने वॉल्यूम V3 तक बढ़ा दिया, कितने तक बढ़ा दिया V3 तक, मैं बोलूं कि भाई अब इतने वेपर बनाने के लिए आपको कितना लिक्विड वेपराइज करना पड़ेगा, तो अगेन ड्यू पॉइंट है, इक्विलिब्रियम अभी भी एस्टैब्लिश हो, क्योंकि एक एक ड्रॉप भी है, जब तक एक ड्रॉप लिक्विड का है तब तक, या एक ड्रॉप गैस का है तब तक इक्विलिब्रियम मेरा क्या रहता है एस्टैब्लिश रहता है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, मतलब प्रेशर अगेन 0.4, वॉल्यूम क्या हो जाएगा V3, अमाउंट N3 और RT। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कहने का मतलब क्या, जब लास्ट ड्रॉप बबल बच रहा है, अब ऐसा समझो ड्यू पॉइंट का मतलब क्या कि भैया फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस, या तो आप ऐसा बोलो, या तो ऐसा बोलो भाई लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइजेस, एक ही बात है। बबल पॉइंट का मतलब क्या है भाई, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइजेस, या क्या बोलेंगे लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस, क्योंकि यहाँ पे एक ही ड्रॉप वेपर का बच रहा है। तो तरीका है, आप लिक्विड की तरफ से सोचना चाहते हो या वेपर की तरफ से सोचना चाहते हो, चॉइसेस जो है, तो मैं यही बोलूंगा क्योंकि हम यहाँ, मैं लिक्विड की तरफ से सोच रहा हूँ, तो आप भी लिक्विड के जैसे सोचो भाई। आप बबल पॉइंट क्या, जब पहला बबल, पहला लिक्विड ड्रॉप मेरा क्या हो वेपराइज हो, और ड्यू पॉइंट मतलब क्या, जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या होता है मेरा वेपराइज होने वाला, तो वो ड्यू पॉइंट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में। अब मैंने क्या करा, मेरे को और बहुत ज्यादा वो है कि भैया मेरे को तो अभी तक पिस्टन बढ़ाते जाना है ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ पिस्टन एकदम फाइनल लेवल तक बढ़ा दिया मैंने, इसके बाद पिस्टन और आगे नहीं बढ़ सकता। अब क्या होगा, जो लास्ट ड्रॉप भी है वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, अब सारा का सारा क्या है गैस, जब गैस आ गया इसका मतलब क्या लगाना है आपको, गैस फ्लो लगाना है। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, बॉयल फ्लो लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मेरा कॉन्स्टेंट है। तो इनिशियली आपने क्या लिया था P1V1 ठीक है, एक मिनट ठीक है, P1V1, और अब इसका ऑब्वियस बात है वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा V4 मान लो, और V4 पे प्रेशर P2 मान लो, तो P2V4। तो इस केस के लिए मेरा ये बनेगा P1V1 इक्वल टू P2V4 ठीक है। तो आई होप सो आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट है मेरा, हाँ अगर मैं इनको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूँ तो समझो, अगर इस केस के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम घटेगा, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ वेपर के लिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। लेकिन अगर आप, मैं बोलूं लिक्विड और वेपर के बीच का जो ग्राफ होगा प्रेशर और वॉल्यूम का, तो आप ऑब्जर्व करो जब लिक्विड था और यहाँ से ग्राफ देखो, इसके लिए तो आप कभी ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा लिक्विड है, ग्राफ यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक का ड्रॉ कर रहा हूँ इस कंडीशन के लिए। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक, मतलब बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक प्रेशर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट था, आफ्टर ड्यू पॉइंट ये गैस के जैसे बिहेव करेगा, कैसा, बॉयल्स लॉ का कर्व फॉलो करेगा ठीक है। तो दिस वॉज द ग्राफिकल कंडीशन ऑफ दिस, ओके, तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक मिनट जस्ट,
अब जैसे कुछ क्वेश्चंस की बात करूं मैं, जैसे सपोज करो ये कंटेनर है मेरा, ठीक है, इसमें मैंने क्या रखा, एक वेपर रखा, इसमें मैंने क्या डाला, एक वेपर डाला हुआ जिसका प्रेशर है 700 टॉर। क्या है मेरा प्रेशर? 700 टॉर है, जिसका वॉल्यूम कितना है मेरा, वॉल्यूम में 5 लीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ वॉल्यूम 5 लीटर दिया हुआ, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, दूसरे कंटेनर में डाला, ठीक है, जिसका आपको प्रेशर बताना है, टेम्परेचर कीपिंग अ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और वॉल्यूम मैंने यहाँ का ले लिया 15 लीटर, कितना लिया मैंने 15 ले लिया, और मैंने बोला कि भैया इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो कोई बात नहीं भैया कंप्लीट वेपर है, तो आप क्या करोगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, कि भैया सिर्फ वेपर है तो ऑब्वियस बात है इसमें गैस लो एप्लीकेबल होता है, तो 700 इंटू इसको 15 कर दो, इसको 5 कर दो, ठीक है, इंटू 15 बराबर प्रेशर इंटू 5, तो ये 3 टाइम्स, मतलब प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा 2100 टॉर। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन दिया, मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें मैंने लिक्विड लिया हुआ है जिसका वेपर प्रेशर है 300 टॉर, क्या है 300 टॉर, ठीक है, और उसको मैंने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया, तो दूसरे कंटेनर में इसका वॉल्यूम है मान लो 15 लीटर और इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, ठीक है, कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर मैंने दोनों कंटेनर का क्या किया, मेंटेन किया है, और सेम लिक्विड ट्रांसफ़र किया है, तो मैं बोला व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, ये लिक्विड को अगर मैंने इस कंटेनर में ट्रांसफ़र किया 15 लीटर से 10 लीटर वाले में, तब आप मुझे ये बताइए कि इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, अगर जो आप सोच रहे हो, अगर आपने कल का लेक्चर बहुत ध्यान से सुना, इसका मतलब आपका आंसर आ चुका होगा, यस वेरी गुड, जो आपने सोचा वेपर प्रेशर कितना होगा 300 टॉर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बेटा वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो आपने दोनों कंटेनर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा तो ऑब्वियस वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा सेम। अब आप ऑब्जर्व करो पेप्सी की जो बॉटल होती है, हर बॉटल में प्रेशर सबका सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि एक बोतल में पेप्सी के बोतल में वेपर प्रेशर अलग रहेगा, दूसरे बोतल में वेपर प्रेशर अलग रहेगा, क्योंकि लिक्विड सेम है, सबको टेम्परेचर अगर मैंने सेम रखा है, मानो दोनों को फ्रिज में ही रखा है, तो फ्रिज में तो ऑब्वियस बात है ऐसा थोड़ा एक बोतल दोनों को एक साथ रखोगे और एक घंटे बाद दोनों को एक साथ निकालोगे, ऐसा थोड़ा एक बोतल ठंडा हो जाएगा एक बोतल गर्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, दोनों बोतल उसी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, मतलब दोनों को आप खोलोगे तो उतना ही खटाक से आवाज आता, मतलब दोनों का वेपर प्रेशर क्या रहेगा, दोनों पेप्सी का सेम रहेगा, तो सेम चीज़ है, आप चाहे 15 में डालो 20 में डालो 25 में डालो, उससे कोई मतलब, टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा सेम रहेगा। देखो एक क्वेश्चन है, हालांकि वो क्वेश्चन है जेई का, लेकिन नीट में भी एक दो बार उस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। क्वेश्चन क्या है कि मान लो मेरा एक मिक्सचर है वाटर का और प्लस N2 का, ठीक है, इस कंटेनर में मिक्सचर है, मतलब मिक्सर बोले तो लिक्विड वाटर है, वाटर एज अ लिक्विड, नॉट वाटर एज अ वेपर, वाटर लिक्विड है और ऊपर में गैसियस है, मतलब इमेजिनेशन करो वाटर यहाँ पे है और यहाँ पे गैस है N2 का, ठीक है, तो अब क्वेश्चन डाटा में देखो क्या क्या दिया था, उसने इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 15 लीटर, वॉल्यूम 15 लीटर दिया हुआ है और टोटल प्रेशर उसने जो दिया हुआ वो 780 टॉर दिया हुआ है, 780 टॉर दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द टोटल प्रेशर, और वेपर प्रेशर उसने दिया हुआ 50 टॉर, वेपर प्रेशर दिया हुआ उसने 50 टॉर, उसने क्या किया, इस पूरे मिक्सचर को उसने दूसरे वाले कंटेनर में डाला जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर, कीपिंग द टेम्परेचर अगेन कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम है 5 लीटर और उसने पूछा व्हाट इज द टोटल प्रेशर कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, देखो वाटर है तो वाटर का अपना भी अगर वेपर प्रेशर दिया है मतलब आपको उसका वेपर प्रेशर कंसिडर करना पड़ेगा,
इसका मतलब अगर मैं एन टू के प्रेशर की बात करूं तो टोटल यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा वाटर के सरफेस के ऊपर, वो सिर्फ एन टू का प्रेशर नहीं होगा, वाटर का भी अपना वेपर प्रेशर होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी, वाटर वेपर भी तो ऊपर होगा ना, वो भी तो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा ना, तभी तो उसको वेपर प्रेशर 50 टॉर दिया हुआ। तो अगर मैं सिर्फ टोटल प्रेशर में से वाटर का वेपर प्रेशर हटा दूं तो इसका मतलब किसका प्रेशर बचेगा, एन टू का प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू निकालने का तरीका टोटल प्रेशर से 750 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 730 टॉर। अब आपने क्या किया, इसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया, तो ठीक है। तो मैं अगेन में क्या बोल रहा हूँ कि भैया वेपर प्रेशर पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया उस दो क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चन ये था कि भाई लिक्विड के वेपर प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मैंने कौन से, हाँ भले गैस के वेपर प्रेशर में चेंज आ सकता है, तो उसके लिए आप बॉयल्स लॉ लगा दो, P1V1 = P2V2, मतलब 730 × 15 = P × 5, तो दिस टाइम्स कैंसल, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 092190, तो टोटल प्रेशर आपको कितना हो जाएगा 2190 + 50। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ये निकालना ही छोड़ देते, भूल जाता है भैया, क्योंकि आपको टोटल प्रेशर निकालना है, आपको सिर्फ उसने N2 का प्रेशर नहीं पूछा, तो टोटल प्रेशर में आपको 50 क्या करना था, ऐड करना था, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर हो जाएगा 2240, ठीक है। तो आई होप्स आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। एक मिनट, ओके नाउ हम यहाँ पे हमारा क्या हुआ बेटा, हमने जो अभी तक सीखा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने अभी तक वेपर प्रेशर के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, लेकिन वेपर प्रेशर किसका, सिर्फ प्योर लिक्विड का, क्योंकि चैप्टर सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस बात है अब आपको चीज़ें सॉल्यूशन के लिए निकालनी है। हमने जो डिस्कशन किया आज और कल में, मतलब अब तक जो डेढ़ घंटे के सेशन में हमने जो डिस्कशन किया था वो सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर, लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में, उसमें जो भी वेरिएशन था भाई यहाँ पे भी क्या, दिस इज नॉट अ मिक्सचर, मिक्सचर दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब होता था जब वाटर में मैंने कुछ मिलाया होता है, लेकिन यहाँ वाटर और गैस है N2 डिसॉल्व नहीं हो सकता वाटर में, इसलिए वाटर के ये ऊपर रहेगा, इसका मतलब जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था वो वाटर वेपर और N2 दोनों का प्रेशर था, ठीक है। अभी तक मैंने सॉल्यूशन की बात नहीं की, अभी तक हम सिर्फ चर्चा कर रहे थे प्योर सॉल्वेंट की। अब हमें क्योंकि भैया चैप्टर सॉल्यूशन है तो डिस्कशन भी हमें सॉल्यूशन के बारे में करना होगा, तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमें जो निकालना है एक्चुअल में, अब जो पढ़ना है हमें वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका मेन टॉपिक चालू होता है, अब तक जो भी मैंने आपको सिखाया वो बिल्कुल बेसिक्स थे, ठीक है, एक्चुअल चैप्टर आपके यहाँ से चालू होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो इसमें पानी है, ये सॉल्यूशन कब बनेगा, जब मैंने इसमें कोई सॉल्यूट ऐड करूंगा, बराबर, मैं जब तक इसमें कोई सॉल्यूट ऐड नहीं करूंगा तब तक ये सॉल्यूशन बन नहीं सकता। अब आपको याद होगा कल ही मैंने आपको बताया था कि भैया सॉल्यूट जो होता है वो आपका दो टाइप का होगा, या तो एक वोलाटाइल होगा या तो एक नॉन वोलाटाइल, क्योंकि हम आयनिक में हमारे पास सब्सटेंस कैसा होता था, या तो वीक होता था या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता था, क्योंकि यहाँ पे हम चर्चा की वेपर प्रेशर की कर रहे हो, वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग भाई सब्सटेंस दो टाइप का होता है, या तो वोलाटाइल होगा या तो नॉन वोलाटाइल होगा। अब बात को समझना, अगर वोलाटाइल सब्सटेंस है तो वेपर प्रेशर अलग आएगा, सॉल्वेंट में अगर आपने वेपर वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया तो वेपर प्रेशर अलग आएगा, और नॉन वोलेटाइल ऐड किया तो वेपर प्रेशर अलग आएगा। तो बात समझना, अगर प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड का वेपर बना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी वेपर बनेगा तो वहाँ का वेपर प्रेशर किसकी वजह से, सिर्फ लिक्विड की वजह से। अगर इसमें मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया, सपोज करो मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड किया, अभी भी वेपर किसकी वजह से बनेगा, जो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, क्योंकि सॉल्वेंट मेरा वोलेटाइल है तो अभी भी वेपर प्रेशर तो मेरा सॉल्वेंट की वजह से ही आ रहा है, आई बात समझ में। लेकिन अगर मैंने दोनों सॉल्यूट भी वोलाटाइल ऐड किया और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल ऐड किया, इसका मतलब वेपर प्रेशर दोनों की वजह से, क्योंकि सॉल्वेंट भी उड़ने की टेंडेंसी रखता है, सॉल्यूट भी उड़ने की टेंडेंसी रखता है, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से नेट जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों की वजह से होगा। तो अब यहाँ पे जो हम वेपर प्रेशर निकालना सीखेंगे वो दो केसेस में निकालना सीखेंगे, पहले जब हम सॉल्यूट में नॉन वोलाटाइल ऐड करेंगे, और दूसरा केस हम देखेंगे जब वोलाटाइल ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता, ठीक है। तो यहाँ पे केस वन आता है मेरा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन,
मुजफ्फर प्रसाद सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रॉल्स लॉ। यहीं पे आपको कवर करना है क्या, रॉल्स लॉ, ठीक है। मैंने क्या किया, सॉल्यूट, अब जैसे मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का आपके दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका सॉल्यूट जिसको मैं बी से डिनोट करूंगा, और सॉल्वेंट मेरे लिए हमेशा क्या होगा, ए। अब पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि सॉल्यूट मेरा बी होगा और सॉल्वेंट मेरा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेचर की, ठीक है, अगर मैं नेचर की बात करूं तो ये क्या होगा, मेरा नॉन वोलाटाइल है। सॉल्यूट मैंने अभी क्या ऐड किया, नॉन वोलाटाइल, और सॉल्वेंट मेरा क्या है, वोलाटाइल, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब उड़ने की टेंडेंसी सिर्फ सॉल्वेंट के पास है, सॉल्यूट के पास नहीं है। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं, दोनों के फिजिकल स्टेट की बात करूं, फिजिकल स्टेट की बात करूं तो ये तो सॉलिड नेचर का होगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल मेरे लिए कौन सा होता है, नॉन वोलाटाइल मेरा सॉलिड नेचर का होता है। सॉल्वेंट किस टाइप का होगा, लिक्विड टाइप का होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर की बात करूं, वेपर प्रेशर मेरा यहाँ पे, यहाँ इस वजह से तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, और इसका वेपर प्रेशर हम पी नॉट ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोल्स की, मोल्स की, तो इसका एनए से एनबी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका एनए से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन की बात करूं मैं, तो मोल फ्रैक्शन एक्सबी बराबर क्या होगा, एनबी बाय एनए प्लस एनबी, एक्स बराबर क्या होगा, एनए बाय एनए प्लस एनबी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना बात को, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि एक्चुअल में रोल्स लॉ होता क्या है, एक मिनट जस्ट, ठीक है। मान लो ये कोई कंटेनर है, अरे यहाँ पे मैंने प्योर लिक्विड ए लिया है, प्योर लिक्विड ए, ऑब्वियस बात है जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे वो किसके मॉलिक्यूल होंगे, ए के मॉलिक्यूल होंगे, और ये जो वेपर बने होंगे यहाँ पे, मान लो थोड़ी देर बाद जो भी वेपर बने होंगे वो सिर्फ ए के वेपर बने होंगे, किसके बने होंगे, ए के वेपर। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर मुझे मिलेगा वो क्या होगा, पी नॉट ए, वही मेरा वेपर प्रेशर होगा प्योर लिक्विड का। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज में सॉल्यूट बी ऐड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूट बी जो कि मेरा नॉन वोलाटाइल है, उड़ने की टेंडेंसी नहीं रखता, और ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इसमें डिजोल्व हो रखा है। देखो नॉन वोलाटाइल का ये मतलब नहीं है कि उसमें डिजोल्व नहीं हो सकता, वो डिजोल्व होना चाहिए। हाई बार हम, क्योंकि सॉल्यूशन मेरे लिए होमोजेनियस मिक्सचर है, हेटरोजेनियस मिक्सचर नहीं है, तो ऑब्वियस बात है ये इसमें डिजोल्व होगा। तो जब ये डिजोल्व होगा तो अब ये सॉल्यूशन है मेरा किसका, ए प्लस बी का। अपर सरफेस में आपको ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, और ए भी मिलेगा। देखो वो चीज डिजोल्व तभी हो सकता है जब वो दो मॉलिक्यूल के बीच में अपनी जगह बना ले, तभी तो वो चीज डिजोल्व हो पा रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये डिजोल्व हो गया, अभी भी तो वेपर, वेपर किसका बनेगा, ए का ही बनेगा, मतलब उड़ने की टेंडेंसी सिर्फ ए ही रखेगा। बी तो मेरे लिए क्या है, बी तो मेरे लिए नॉन वोलाटाइल है, वो तो उड़ने की टेंडेंसी रखता नहीं है। कल भी मैंने आपको इसलिए एक डेफिनेशन लिखाया था कि भाई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होता है जो अपने हमेशा सॉल्यूशन फेज में रहता है, वो कभी भी गैसियस फेज में नहीं जा सकता है। तो अभी भी देखो आपने जब सॉल्यूट बी ऐड किया तो अभी भी यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसके वजह से होगा, वोलाटाइल कंपोनेंट की वजह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर मुझे मिलेगा वो ऑब्वियस बात है पीए होगा, क्या होगा, P0A से क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, सोचो, वेरी गुड, छोटा होगा। क्यों बेटा, क्योंकि पहले मान लो आपके पास 50 मॉलिक्यूल थे सरफेस पे और 50 के 50 इवेपोरेट कर रहे थे, अब हो सकता है आपको कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तभी तो आपने देखा होगा जब चाय वगैरह उबलती है उसमें आप ऑब्जर्व करना, आप चीनी डाल दो तो तुरंत वो चाय नीचे आ जाए, क्यों, क्योंकि पहले जो पहले सारे के सारे दूध के मॉलिक्यूल थे, अब क्या हो गया, अब चीनी भी उसमें डिजोल्व हो गया, तो थोड़ा सा वो लिक्विड कुछ देर के लिए वो नीचे चला जाता है। मैंने क्या रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, क्योंकि आप तो कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो ना बेटा, उसका उस केस की बात अलग, बट एक मिनट आपको समझाने के तौर पे, कभी भी आप कोई चीज नॉन वोलेटाइल किसी सॉल्यूशन में ऐड करते हो, सॉल्वेंट में ऐड करते हो, तो ऑब्वियस बात है उसका प्योर वाटर से, जो मैंने आपको कल भी समझाया था फुगैसिटी के टर्म से, उसका प्योर लिक्विड से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पे बात को, कि अब वेपर प्रेशर क्या हो चुका है कम, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर
ऑफ ए इन सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो ऑब्वियस बात है पी नॉट ए की वैल्यू मेरी पी ए से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब यहीं पे टर्म आता है रॉल्स लॉ का। देखो रॉल्स का भाई साहब का मानना क्या था भाई? रॉल्स का भाई सिंपल सा मानना ये था, उसका ये मानना था कि भाई आप किसी चीज में कोई चीज डिसॉल्व करते हो तो वेपर प्रेशर किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का उस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके सॉल्यूशन में उसका हिस्सेदारी कितना है। सॉल्यूशन में हिस्सेदारी का मतलब मोल फ्रैक्शन, कि भाई किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कि उसके सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। भाई जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा वेपर बनेगा। ऐसे मान लो इस सॉल्यूशन में अगर 0.7 का मोल फ्रैक्शन है तो ऑब्वियस बात है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? 0.3। तो ऑब्वियस बात है 0.7 मोल फ्रैक्शन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेंगे, बराबर। लेकिन अगर मैं वही बोलूँ अगर इसी सॉल्यूशन में 0.4 मेरा है ए का मोल फ्रैक्शन तो ऑब्वियस बात है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है उसका रॉल्स का सिंपल सा ये मानना था भाई किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस बात पर डिपेंड करता है कि उसके सॉल्यूशन में या उसके लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है। आई बात समझ में? उसी चीज को मैं लिख देता हूँ। रॉल्स लॉ क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड या ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to mole fraction of component in the solution ठीक है। या तो आप इस तरीके से चलो या तो आप ऐसे बोलो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो या तो आप ऐसे समझो वही जो मैंने आपको हिंदी में समझा कि वेपर प्रेशर ऑफ नॉन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि यही मेरा वोलेटाइल कंपोनेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो पीए बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स से। पीए बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा, जब यहीं पे लिख देता हूं मैं, जब
xA is equal to 1 हो, अगर मान लो मोल फ्रैक्शन 1 हो, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन 1 कब होता है, जब वो प्योर कंपोनेंट हो। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, जो PA होगा वो P0A के बराबर हो जाएगा। भाई जब कोई आपने मिक्स किया ही नहीं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बराबर। तो जब xA की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करो तो K बराबर क्या हो जाएगा, P0A के बराबर हो जाएगा। K बराबर यहाँ xA की वैल्यू 1, PA बराबर xA 1 है, तो PA बराबर P0A, तो K की वैल्यू किसके बराबर, P0A के बराबर। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो जो एग्जैक्टली इक्वेशन बनता है वो क्या बनेगा, PA बराबर P0A इंटू xA। ये आपका पहला फॉर्मूला बनता है रॉल्स लॉ का, और इस चैप्टर का भी ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप इसको मैथमेटिकली ऐसा भी सोचो कि भाई टोटल वेपर प्रेशर लिक्विड का इतना था, वो कब था, P0A कब होता है, जब xA की वैल्यू 1 हो, मतलब मोल फ्रैक्शन 1 हो। तो आपने अब उस सॉल्यूशन में, अगर उस सॉल्वेंट में आपने कुछ मिलाया, तो अब xA की वैल्यू 1 तो होगी नहीं, अब कितनी कम हो जाएगी, मान लो अब जितनी भी, मान लो अब होगा 0.4, तो P0A को 0.4 से कर दो, तो ऑब्वियस बात है मुझे वेपर प्रेशर नहीं पता चल जाएगा। तो सेम मैथमेटिकली भी आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, तो किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूशन में, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपको PA रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? तो ये मेरा किसका जैसा ग्राफ होगा, ये y इज इक्वल टू mx जैसा ग्राफ होगा। ठीक है, अब वही बात कर रहा हूँ मैं, अगर PA बराबर है P0A इंटू xA, मैं क्या कर रहा हूँ, xA प्लस xB मुझे पता होता है 1 होता है, तो मैं ये ले रहा हूँ xA बराबर को मैं पुट कर देता हूँ 1 माइनस xB। तो यहाँ पे PA बराबर क्या हो जाएगा, P0A 1 माइनस xB। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, P0A माइनस P0A इंटू xB। तो P0A इंटू xB बराबर क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA। अच्छा ठीक है, अब एक बात और, इस टर्म को मतलब P0A माइनस PA को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं हम, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, भाई कितना घटा, तो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, उतना घटा देगा। नहीं है समझ में बात, भाई जितना टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इतना था, अब आपने उस, अगर आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, उसका वेपर कितना घटेगा, भाई जितना जितना मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट उतने से घट जाएगा। तो ये हो गया मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में P0A माइनस PA, अब यहाँ पे मैं P0A से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये हो गया मेरा xB के बराबर। और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP खत्म हो चुका है। तो ये आपका RLVP का पहला कोलिगेटिव का फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आई होप आपको ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दे रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, भाई ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, उसको नेचर से कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन कौन लेता, जनता लेती है, जो नंबर ऑफ पीपल्स डिसीजन लेता, बट जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स है, मतलब ऑब्वियस बात है राजा वही है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या डिटाइन करती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। तो वही होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू कितने से घटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ऐसे हिंदी में आप समझो कि भाई वेपर प्रेशर का घटना विद रिस्पेक्ट टू किसके, प्योर लिक्विड से, उसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ये आपका हो गया फॉर्मूला RLVP का, किसका हो गया, RLVP का। ठीक है बेटा, ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं P0A by PA is equal to P0A, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, NB by NA plus NB, ये हमने पहले ही पढ़ा था XB को, इसको मैं ऐसा रिवर्स कर दे रहा हूं, तो P0A ऊपर आ गया, P0A minus P
पी ए और एन ए प्लस एन बी बाय एन बी। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ माइनस वन कर दे रहा हूँ, तो ये कैसा बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी बाय एन बी। एन बी एन बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट ए कैंसिल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप फिर से इसको रिवर्स कर दो, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एन बी बाय एन ए। तो ये जो फॉर्मूला होगा आपको, दिस फॉर्मूला इज फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। देखो न्यूमेरिकल पर्पस से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पेशली कब, मोलर मास इज आस्क्ड, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज आस्क्ड। मान लो अगर मोलर मास आपको पूछा गया सॉल्यूट का और वो पूछा जा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आई होप सो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी एज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। तो आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला सेम ही है, बट ये फॉर्मूला आप ज़्यादातर मैक्सिमम फॉर्मूला आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलो इसके पर हम थोड़ा ग्राफिकल भी देख लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे कुछ। जैसे अब देखो सॉल्यूशन में जो ग्राफ होते हैं वो बहुत थोड़े स्पेशल वाले होते हैं, यहाँ पे दो बार ऐसे डंडी खींचनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो ग्राफ खींच रहा हूँ मैं, वेपर प्रेशर मतलब पी ए वर्सेस, पहला है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका, एक्स ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्स ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, वन, क्योंकि हाइएस्ट वैल्यू मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो से वन के बीच में ही रह सकती है। तो जब आप इस फॉर्मूले को पुट करोगे, पी ए बराबर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो एक्स ए की वैल्यू जीरो, तो पी ए जीरो और एक्स ए की वैल्यू वन, तो हाईएस्ट वैल्यू एक्स ए की वैल्यू वन हो सकती है, तो पी ए किसके बराबर हो सकता है, पी नॉट ए के बराबर हो सकता है। तो ये डायरेक्ट इस पॉइंट को कट करेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता और इससे नीचे भी नहीं आ सकता। तो ऐसा ग्राफ इंडिकेट होता है किसका, इनका, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन, अगेन मैं वेपर प्रेशर पी बी की बात, पी ए की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं मोल फ्रैक्शन एक्स बी की बात कर रहा हूँ। अगर ये भी यहाँ जीरो और यहाँ पे वन है, तो ऑब्वियस बात है, तो जब एक्स बी यहाँ पे वन है तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और एक्स बी यहाँ जीरो है तो एक्स ए की वैल्यू वन होगी। तो ये ग्राफ इस केस में रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, मतलब यहाँ पे अब आपका पी नॉट ए हो जाएगा। आई बात समझ, पी ए बराबर एक्स बी का जो ग्राफ होगा, आई बात समझ सबको, आई होप सो यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। क्योंकि आप सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में कोई, क्योंकि मेरा ये कैसा है, ये मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके वजह से तो कोई भी वेपर प्रेशर नहीं हो सकता। वेपर प्रेशर किसके वजह से होगा, सिर्फ एक ही वजह से, तो जब यहाँ पे ये वन था तो इसका मतलब वेपर प्रेशर जीरो होगा, मतलब क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो और जब ये जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन हो, तो वेपर प्रेशर, तो इसका ग्राफ भी इसी तरीके से होगा। तो ओवरऑल ये इन्हीं कहानी पे क्या होता है, घूमते रहता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आएगा। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, अच्छा एक बात और, ये बात है हमेशा याद रखिएगा कि आपका सॉल्यूट क्या है, बी है, और सॉल्वेंट क्या है, ए, इस चीज को भूलिएगा मत, ठीक है। तो 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट सर्टन टेम्परेचर, एट सर्टन टेम्परेचर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दैट टेम्परेचर, एट दैट
टेम्परेचर, ये जो 300 mm ऑफ HG, ये जो 300 mm ऑफ HG, देन कैलकुलेट। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। पहला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीसरा है RLVP, चौथा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और फिफ्थ नॉट लिस्ट मोलालिटी निकालना है आपको, स्मॉल m निकालना है। तो कुछ नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। यूरिया ऐड किया गया 45 ग्राम वाटर में, इसका मतलब यूरिया आपके लिए क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। याद है आपको मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में एग्जांपल दिया था, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारे सारे क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब अभी हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं, केस वन का। तो इसका मतलब NB की वैल्यू, NB वेट कितना दिया यूरिया का, 30 बाय 60 मतलब 0.5, और Na की वैल्यू कितनी है 45, मतलब सॉल्वेंट 45 और डिवाइडेड बाय 18, मतलब ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करूँ तो ये कितना होगा, 0.5 बाय 2.5 प्लस 0.5, मतलब 3, मतलब 1 बाय 6। क्या मैं इसी को RLVP बोल सकता हूँ इस फॉर्मूले से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही तो है ये एक्चुअली बराबर। तो नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। बस यहाँ पे आपका एग्जामिनर देखो यहाँ पे क्या दिया, P0 A की जो वैल्यू दी हुई है, P0 A की जो वैल्यू दी है वो 300 दी हुई है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, XB निकाल लो, वही RLVP का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, P0 A आपको 300 दिया हुआ। पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोला था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, P0 A इंटू XA। अब उसके लिए आप XA भी निकाल लो, तो XA बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1 बाय 6, दैट नथिंग बट 5 बाय 6। तो इसका मतलब PA बराबर क्या हो जाएगा, 300 इंटू 5 बाय 6, तो कितना हो जाएगा, 250 mm ऑफ HG। तो आप बात समझ रहे हो, कितने टाइम्स घट रहा है बेटा, 50 टाइम्स, 50 mm HG घट गया। तो अगर मैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूँ, तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P0 A माइनस PA, मतलब ओरिजिनल आपका 300 था घट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद अब बच गया 50 20, तो कितना लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, 50 mm ऑफ HG हो गया। तो बात वही था, 50 को आप डिवाइड करते थे फिर आप 300 से, तो भी आपका आंसर 1 बाय 6 ही आता था। तो वही है, मैं डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल के आंसर निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा मोलालिटी। मोलालिटी के लिए एक फॉर्मूला दिया था, XB बाय XA इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट। XB कितना है, 1 बाय 6 है, ये 5 बाय 6 है, इंटू 1000 बाय 18। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा। तो आई होप सो आप इतना कैलकुलेट कर सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पर आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रॉल्स लॉ, और हमेशा नीट वगैरह में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं इनके। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर
180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। ठीक है, क्या बोला, कितना ग्राम ग्लूकोज डालूं मैं ताकि आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाए 20% से घट जाए। देखो मैं फिर से बोला, इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ आप पॉज करिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ, पॉज करने के बाद ही अटेंड करिए। ठीक है, तो कितना ग्राम ग्लूकोज डालने पर 20% घट जाएगा, जब आपको ना तो मैंने पीनोटे दिया ना तो पिए, बट परसेंटेज दिया, जब कुछ ना दिया जाए तो मान के चलो इनिशियल परसेंटेज कितना मान लो, 100 मान लो। तो ठीक है, पीनोटे को मैं क्या मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। अब पीए कितना, 20% घट गया मतलब 80, पीए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसे पूछा बेटा तो मतलब पीनोटे माइनस पीए बाय पी नॉट ए, क्या लिखूंगा मैं, पी नॉट ए नहीं, जब मास वगैरह पूछा जाए तो पी ए, हमेशा न्यूमेरिकली आप ये यूज़ करोगे, पी ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। तो पी नॉट ए मेरा 100 है, माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू एन बी डब्ल्यू है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज 180 होता है, नहीं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, हाँ 180 होता है, और इनटू आप ऐसे कर लो, चलो ऐसे मत करो, एन बी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 10 मोल्स होंगे, 180 ग्राम वाटर और 18 से डिवाइड करो तो 10 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा, तो उधर क्या हो जाएगा, 20 बाय 80 इज इक्वल टू एन बी बाय 10, दिस मतलब 1/4, तो एन बी बराबर कितना हो जाएगा, 10/4, तो डब्ल्यू बी बराबर कितना हो जाएगा, 10/4 इंटू 180, 10/4 into 180, तो अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम चला जाएगा, 45 टाइम, मतलब 450 ग्राम डालना पड़ेगा ग्लूकोज ताकि 20% से आपका वेपर घट जाए। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन in 156 gram of benzene if vapor pressure of pure benzene at that temperature is 200 mm of Hg and vapor pressure of solution is 150 mm of Hg, vapor pressure of solution is 150 mm of Hg, then calculate सॉल्यूट। ठीक है, क्या बोल रहा है, 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, मतलब सॉल्यूट का मोल वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट दैट टेम्परेचर 200 मतलब पी नॉट ए दिया हुआ है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 150 मतलब आपको क्या दिया हुआ, पी ए दिया हुआ 150, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेरी गुड, आपको वही निकालना, पी फॉर्मूला क्या यूज़ करना, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। पी नॉट ए आपको कितना दिया हुआ, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है 200 और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 150। ठीक है, डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, सॉल्यूट मतलब 20 ग्राम दिया हुआ है वेट, डिवाइडेड बाय एम बी इंटू एम, एम ए ऊपर आ जाएगा, मतलब बेंजीन का मोलर मास होता है 78 डिवाइडेड बाय 156। तो जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया। ओके, ठीक है।
ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुके होंगे सारी बातें। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ से हमारा रॉल्स लॉ का केस वन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट खत्म होता है। कल एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर हम, और फिर हम चालू करेंगे कि अभी तक तो सिर्फ जो वेपर प्रेशर था वो एक के वजह से होगा, जब दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे तब वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। तो आगे चीज़ें हम कल करते। थैंक यू वेरी मच।